हाय गाइस, आज का हमारा प्लान है 40 फीट बाई 60 फीट का। मेरे पास ये प्लान है, तो इसमें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसका ग्राउंड फ्लोर, इसका फर्स्ट फ्लोर, इसका सेकंड फ्लोर और इसका फ्रंट एलिवेशन। इसके फ्रंट एलिवेशन की मुकम्मल डिटेल जो है मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, ठीक हो गया। और इसमें सबसे पहले जो मेरे पास ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से हम इसका स्टार्ट लेते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर में मैंने इसमें क्या क्या बनाया वो आप जरा चेक कर लें। ग्राउंड फ्लोर में सबसे पहले मेरे पास मेन गेट आ जाते हैं, जिसका साइज मैंने 16 फीट 3 इंच बाई 9 3 फीट 9 इंच, इसमें छोटा गेट भी दिया हुआ है। और कारपोर्ट का जो साइज है वो 24 फीट 6 5 इंच बाई 16 फीट 9 इंच है। और इस साइड पे गली 4 फीट 6 इंच आपने छोड़नी है और इस साइड पे आपने गली 3 फीट की छोड़नी है। इसी तरह मेरे पास मेन लॉबी के लिए एक डोर आ जाता है 5 फीट का, और यहाँ पर 5 फीट 8 इंच बनेगा, क्योंकि मैंने इस साइड से 3 3 इंच मैंने इस साइड से भी जोड़ी है 4 3 इंच। स्टेयर लॉबी है, स्टेयर लॉबी का जो मेरे पास साइज है वो ये वाला 11 फीट 6 इंच और ये वाला साइज मेरे पास 20 फीट 8 इंच। पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट तक, और इस पॉइंट पे मेरे पास आएगा 14 फीट 3 इंच। और यहाँ से स्टेयर आपने ऊपर जानी है, तो स्टेयर की जो लेंथ है वो 4 फीट की है और इसका जो ट्रेड है वो आपने 11 इंच का रखना है। और यहाँ से जैसे ही आप मेन एंटर होते हैं तो आपको एक बड़ा सा टीवी लॉन मिलेगा। टीवी लॉन का साइज 20 फीट 5 इंच पे 15 फीट का है और यहाँ पर एक स्लाइडिंग डोर लगा के आप ये ड्राइंग रूम की तरफ आ सकते हैं। आप एक डोर आप इस साइड पे भी दे सकते हैं, 5 फीट का मैंने इधर डोर एक दिया हुआ है। आपके मेहमान आते हैं तो आप यहाँ से इसको एंटर कर सकते हैं। 14 फीट बाई 19 फीट का मेरे पास एक ड्राइंग रूम है, और ड्राइंग रूम का जो क्वार्टर रूम है वो मेरे स्टेयर के नीचे आ जाएगा। स्टेयर के नीचे 4 फीट पे 6 फीट का मेरे पास एक क्वार्टर रूम इस स्टेयर के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास एक आ जाता है किचन। किचन का जो साइज है वो 15 फीट बाई 10 फीट 8 इंच का मेरे पास एक किचन आ जाएगा। और किचन की वेंटिलेशन के लिए जो 3 फीट की हमने गली छोड़ी है वहां पर मेरे पास विंडो 5 फीट 3 इंच की आ जाएगी। पर यहाँ पर डोर की बात करें तो डोर मैंने इसमें एक लगाया है, तो डोर इसलिए लगाया कि आपकी जो बैक साइड पे लॉन्ड्री है वहां पर आप आसानी से जा सकते हैं। मेरे पास एक आ जाता है इसका बेडरूम। बेडरूम का जो साइज है वो मेरे पास 14 फीट बाई 12 फीट का मेरे पास ये बेडरूम है, और इसका जो बाथ है बाथ का साइज 7 फीट बाई 8 फीट 2 इंच का है, और सेकंड बेडरूम मेरे पास 14 फीट बाई 15 फीट 6 इंच का है, और इसका जो बाथ है बाथ का जो साइज है वो 6 फीट 3 इंच का है और 14 फीट इसकी लेंथ है। और वार्डरोब इसकी आपने डोर के बैक साइड के ऊपर बनानी है, और इसकी वार्डरोब आपने 6 फुट बाई 2 फुट की वार्डरोब आप दीवार के अंदर आप बना सकते हैं। अब इसके बाद मेरे पास जो बैक साइड की ओपनिंग है, ओपनिंग के लिए वेंटिलेशन मैंने दिया 4 फिट 2 इंच की साइड पे, और 9 फिट की इस कमरे के लिए वेंटिलेशन मैंने दिया। यहाँ पर पौधे लगाए और यहाँ पर आप वाटरफॉल भी आप बना सकते हैं। ओपन प्लस लॉन्ड्री एक आपकी पीछे बैक साइड पे आ जाएगी 10 फीट पे 6 फीट 2 इंच की। इसके अब रास्ता जो है वो मैंने दिया है यहाँ से किचन में से, किचन में से होते हुए आप यहाँ पर अपने ओपन टू स्काई के अंदर आप लॉन्ड्री जो है वो आप बना सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही आपने नीचे से ये ऊपर की तरफ आना है तो आपने 20 स्टेप जो है वो आपने काउंटिंग कर लेनी है, जैसा कि 11 इंच आपने इसका ट्रैक रखना है, 10.5 भी चल जाएगा। और स्टेयर जैसे ही आप यहाँ पर 20 स्टेप आपके मुकम्मल होते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपके पास एक खूबसूरत टेरेस आ जाएगा। टेरेस का साइज 10 फीट 8 इंच बाई 10 फीट का है, और यहाँ पर स्लाइडिंग डोर आपने लगाना है, और यहाँ बाई भी आपका टेरेस मान सकता है 4 फीट यहाँ से हाइट लेंथ और 6 फीट आपकी यहाँ से लेंथ, काफी अच्छा साइज है इसका। अब इसके बाद बात करें इसका टीवी लॉन की। तो टीवी लॉन का जो मेरे पास साइज है 20 फीट 5 इंच बाई 15 फीट का मेरे पास टीवी लॉन है। नीचे आपका किचन था, ऊपर स्टोर बन गया, 14 फीट 3 इंच बाई 10 फीट 8 इंच का मेरे पास ऊपर स्टोर बन गया। अब यहाँ पर बात करें इसके मास्टर बेडरूम की। मास्टर बेडरूम का साइज है मेरे पास 14 फीट बाई 17 फीट 6 इंच का, और इसका बाथ जो है वो अच्छा साइज है 7 फीट बाई 10 फीट का, और इसकी वार्डरूम आप पूरी दीवार के साथ इधर बना सकते हैं। अब इसके बाद इस बार बेडरूम की बात करें, 14 फीट बाई 12 फीट का बेडरूम है, और यहाँ पर इसका बाथ 7 फीट बाई 8 फीट 2 इंच है। यहाँ पर तीसरा बेडरूम भी फर्स्ट फ्लोर पे 14 फीट बाई 15 फीट 6 इंच का, और इसके ड्रेसिंग बड़े मजेदार है। इसका साइज 6 फीट 3 इंच बाई 9 फीट 6 इंच का है, और इसका बाथ जो है जो नीचे आपका ओपन प्लस लॉन्ड्री थी उसके ऊपर आप यहाँ पर बाथ मान गया। बाथ का जो साइज है वो 9 फीट 8 इंच बाई 5 फीट 5 इंच यहाँ से, और यहाँ पर आपके पास 6 फीट 3 इंच बाई 4 फीट 11 इंच आपके पास यहाँ से बचेगा। अब इसके बाद बात करें इसके डिजाइनिंग की। तो डिजाइनिंग जो मैंने इसके ऊपर मैंने बते जो निकाले हुए हैं, जो कुछ भी निकाला हुआ मैं आपको फ्रंट के साथ साथ मैं समझाऊंगा।
अब इसकी बात करें इसके मंथली फ्लोर की, तो मंथली फ्लोर में मेरे पास सिर्फ एक कमरा है। कमरे का जो साइज है वो 8 इंच बाई 11 फीट 6 इंच मैंने रखा है, और यहाँ से आप नीचे स्टेप से आप चले जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। अब इसके बाद इसके फ्रंट की बात करें तो फ्रंट मेरे पास आ जाता है, फ्रंट मेरे पास ये है इसका फ्रंट टोटल। अब इस पे मेरे पास इसको मैं समझाता हूँ आपको, ये मेरे पास रोड है, रोड का लेवल हमेशा हम 0-0 रखते हैं। यहाँ से आपने कारपोर्ट्स का जो आपने लेवल रखना है वो 1 फीट उठा के आपने रखना है, ये 1 फीट आपने कारपोर्ट्स का लेवल ये दे दिया। अब कारपोर्ट से जो फर्स्ट फ्लोर का जो फ्लोर होता है वहां तक आपने इसको 1 फीट चेंज उठा देना है, यहाँ ताकि कारपोर्ट से 3-4 स्टेप आप अंदर जाने के लिए रख सकें, वो 1 फीट चेंज रखना है। 1 फीट चेंज रखने के बाद यहाँ से आपने चुनाई जो है वो 11 फीट की चुनाई रखनी है। सॉरी, 11 फीट आपने इसकी हाइट रखनी है और 6 इंच आपने इसका ऊपर रूफ टॉप रखना है। अब इसके बाद इसके सेकंड फ्लोर की बात करें तो सेकंड फ्लोर मेरे पास फर्स्ट फ्लोर की हाइट जो है वो आपने 11 फीट रखनी है और इसका जो आपने लेंटर है वो 6 इंच का डालना है। सेकंड फ्लोर पास मंडी की भी बात करें तो मेरे पास मंडी का जो हाइट आपने रखनी है वो 8 फीट 6 इंच रखनी है, और इसका जो आपने रूफ ऊपर छत डालनी है वो 5 फीट की आपने ऊपर इसके छत डालनी है। अब इसके बाद इसके पैरामिट की बात करें तो मेरे पास 1 फीट 5 इंच मेरे पास पैरामिट बनती है। अब दूसरी चीज, यहाँ पर आपका कारपोर्च का लेवल है और कारपोर्च का जो छत आपने जो पहला डालना है वो आपने डालना है 11 फीट की हाइट के ऊपर, ये हाइट। यहाँ पर मेरे पास जो फर्स्ट फ्लोर की हाइट, ग्राउंड फ्लोर की छत की हाइट, यहाँ पर मेरे पास 11 फीट इधर बांधी है और यहाँ पर मेरे पास 11 फीट इधर बांधी है। क्यों बांधी है इधर? क्योंकि मेरे पास 1 फीट 6 इंच हाइट पे है ये वाला सारा पोर्शन, तो मेरे पास 1 फीट 6 इंच जो है वो मैंने कारपोर्च मैंने डाउन रखा था, इसलिए मेरे पास ये 11 फीट की हाइट जो है वो इस साइड पे बांधी। अब इसके बाद बात करें ये वाले फ्रंट के ऊपर, तो फ्रंट पे मेरे पास ये जो डिजाइन जो मेरे पास बना पड़ा है ये मेरे पास डिजाइन आ जाएगा, ये मैं पॉइंट इस पॉइंट से लेकर ये वाले पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मेरे पास आ जाएगा, ये वाला प्लान ये वाला डिजाइन मेरे पास मुकम्मल इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बचेगा, ठीक हो गया। बाकी जो मेरे पास 6 फीट की जगह बचती है वो मेरे पास 6 फीट की जगह इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मेरे पास 6 फीट की जगह बचती है। अगर नहीं आपको समझ आ रही तो मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 6 फीट 5 इंच इसलिए कि ये 6 फीट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 6 फीट और 4.5 की दीवार अगर शामिल करें तो ये मेरे पास 6 फीट 5 इंच ही बनेगा, ठीक हो गया। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 6 फीट 5 इंच आपका ये वाला पॉइंट जो है वो बनेगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद ये वाला ग्रैन मेरे पास इधर जाके खत्म हो जाएगा, ये सारा ग्रैन। अब इसमें मेरे पास 2 फीट 9 इंच ये पूरा बदला आप चलाएंगे 2 फीट 9 इंच का, और 2 फीट 9 इंच मेरे पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मेरे पास 2 फीट 9 इंच है, ये डिमेंशन लाइन मैं दिखाता हूँ, डिमेंशन आपको चेक करवाने के लिए 2 फीट 9 इंच। अब ये 2 फीट 9 इंच का मुकम्मल बदला आपका इस पॉइंट से चलेगा और ये आपका इस पॉइंट तक आएगा, इस पॉइंट तक किधर तक? ये वाले पॉइंट तक, ये वाली जो लाइन टेरेस की ये वाली जो लाइन आपने लगाई है इसको बिल्कुल सीधा करें तो ये आपके पास 2 फीट 9 इंच यहाँ पर आपकी हाइट बनेगी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 2 फीट 9 इंच की हाइट। अब ये मेरे पास 2 फीट 9 इंच आपका इस पॉइंट तक आ गया। अब ये बाकी जो 2 फीट 9 इंच बचेगा वो मेरे पास 2 फीट 9 इंच आपका ये वाला पॉइंट भी बचेगा ये 2 फीट 9 इंच का। अब ये जो मेरे पास आयरन की ये जो पाइप लगे हुए हैं ये मेरे पास आयरन के पाइप ये वाले मेरे पास आयरन के पाइप आ जाएंगे, ये किसके आगे आपने लगाना है? जो आपके बात है बात के आपने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपने बात के फ्रंट के ऊपर ये वाले लगा देंगे। बाकी ये 4 फीट आपने आगे टेरिस आपने निकाल देना है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपने 4 फीट का टेरिस बाहर निकाल देना है ताकि खूबसूरती बनी रहे। अब बाकी ये बात करें इस विंडो की, विंडो के जो साइज है वो 10 फीट का है, मेरे पास ये 10 फीट की विंडो, ये मैंने 10 फीट की विंडो मैंने ये दी हुई थी। बाकी इसका जो बाउंड्री वॉल है वो आप चेक कर लें। अगर आपको ये प्लान पसंद आया तो आप मुझसे रब्ता करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर 0307614195, आप मुझसे ये फाइल मुकम्मल आप खरीद सकते हैं सिर्फ 1000 रुपये में।